हेलो एवरीवन, पुलबैक ट्रेंड इंडिकेटर पर एक और नया अपडेट जो है पुलबैक ब्रेकआउट जोन। जिन्होंने पुलबैक ट्रेंड इंडिकेटर को सब्सक्राइब किया है केवल वही पुलबैक ब्रेकआउट जोन्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पुलबैक ट्रेंड इंडिकेटर की सेटिंग्स टैब पर। वहां पर आपको जोन ब्रेकआउट की ऑप्शन विजिबल होगा। अगर आपके इंडिकेटर में जोन ब्रेकआउट विजिबल नहीं हो रहा है तब आपको क्या करना होगा, यहां से आप इंडिकेटर को चार्ट से रिमूव कीजिए, उसके बाद आपको साइन आउट करना होगा, फिर दोबारा अगेन साइन इन करना पड़ेगा एंड फिर से इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई कीजिए, तो पुलबैक जोन ब्रेकआउट इंडिकेटर ऑटोमेटिकली सेटिंग्स टैब पर विजिबल हो जाएगा। करंटली आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी की चार्ट देख रहे हैं। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जिस टाइम फ्रेम पर आप कंफर्टेबल हैं। ब्रेकआउट जोन पर हमें केवल फर्स्ट हाफ पर ही ट्रेड लेना है, उसके बाद नहीं। अब एंट्री कैसे करना है, हमें वेट करना है कोई भी एक ग्रीन कैंडल जो कि इस ब्रेकआउट जोन को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज हो रहा है। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज, जैसे ही इस ब्रेकआउट कैंडल की हाई ब्रेकआउट होने के बाद 4 सेकंड इस हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आप कॉल साइड पर एंट्री करेंगे। जिनको फ्यूचर्स में ट्रेड लेना है वो फ्यूचर्स पर ट्रेड ले सकते हैं, जिनको ऑप्शंस पर ट्रेड लेना है वो ऑप्शंस पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हमेशा इन द मनी ऑप्शन परचेस करना होगा। बैंक निफ्टी पर मिनिमम 200 पॉइंट्स इन द मनी ऑप्शन एंड निफ्टी पर 100 पॉइंट्स इन द मनी ऑप्शन। ब्रेकआउट कैंडल की हाई पर जैसे ही 4 सेकंड सस्टेन होता है सी साइड पर एंट्री करेंगे। अब टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा, ब्रेकआउट कैंडल की लो होगा हमारा स्टॉप लॉस 70 टू 150 पॉइंट्स का इनिशियल टारगेट रख सकते हैं। अगर आप मल्टीपल लॉट्स पर ट्रेड कर रहे हैं तो ऑन एवरी मूव ऑफ 70 पॉइंट्स आपको 1 लॉट करके एग्जिट करना पड़ेगा। आज ऑलमोस्ट इस ब्रेकआउट पर हमें ओवरऑल 345 पॉइंट्स की मूव देखने को मिला है। निफ्टी पर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमें। आप कोई भी इंडेक्स या सेक्टर पर ब्रेकआउट जोन पर ट्रेड ले सकते हो, बट उसके पहले एक बार बैक टेस्ट करके जरूर देख लेना कि उस पर्टिकुलर सेक्टर या स्क्रिप्ट पर ब्रेकआउट जोन काम कर रहा है कि नहीं। ये निफ्टी का आज का ही चार्ट है। 940 की कैंडल ब्रेकआउट जोन को ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दी एंड जैसे ही उसके अगला कैंडल नेक्स्ट कैंडल इस ब्रेकआउट कैंडल की हाई को ब्रेक किया एंड इसके ऊपर 4 सेकंड तक जैसे ही सस्टेन होता है आपको कॉल ऑप्शन पर ट्रेड लेना है एंड आपका स्टॉप लॉस होगा ब्रेकआउट कैंडल की लो होगा आपका स्टॉप लॉस। एंड निफ्टी पर भी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स आज मिला है। ब्रेकआउट जोन पर सिर्फ फर्स्ट हाफ पर ट्रेड लेना है। अगर फर्स्ट हाफ में आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता है, सेकंड हाफ में आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, काइंडली ट्राई टू अवॉइड द ट्रेड। ब्रेकआउट जोन ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है। टुडे इज 28th of March। मैं आपको मार्च मंथ की परफॉर्मेंस दिखा देता हूं। अगेन अनदर ब्रेकआउट 168 पॉइंट्स, उसके बाद यहां पर देखो छोटा सा लॉस 40 पॉइंट्स, फिर इस चार्ट को देखो 108 पॉइंट्स, अगेन हियर 100 पॉइंट्स, 18th March नो ट्रेड, ये ब्रेकआउट मिला हमें सेकेंड हाफ पर, 15th March स्मॉल स्टॉप लॉस 36 पॉइंट्स, यहां पर स्टॉप लॉस आपके काफी छोटे होंगे, 14th March 165 पॉइंट्स। अब 14th March की चार्ट देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि यहां पर तो स्टॉप लॉस ऑलरेडी ट्रिगर हो गया है, नहीं, इसीलिए मैंने कहा 4 सेकंड रूल। जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट कैंडल की हाई को ब्रेक करता है आपको 4 सेकंड के लिए वेट करना है। काफी बार क्या होता है 4 सेकंड के अंदर ये वापस तुरंत नीचे आ जाता है, ठीक है, तो ये 4 सेकंड सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आ गया, फिर यहां पर हमें ब्रेकआउट मिला फिर से। देन अगेन लुक एट दिस 13th March 434 पॉइंट्स, कैन यू इमेजिन, काफी बड़ा टारगेट दिया है। 12th March 48 पॉइंट्स स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड, अगेन अ छोटा सा स्टॉप लॉस। और अब ध्यान से देखेंगे जब भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है वो 40 से 50 पॉइंट के अंदर, एंड जब आपको टारगेट मिल रहा है
मिनिमम 70 पॉइंट से लेके ऑन एन एवरेज 150 पॉइंट्स, यानी जो आपके रिस्क रिवॉर्ड है दैट इज नॉट लेस देन 1:2। फिर यहां पर देखो 11th मार्च अगेन 100 पॉइंट्स, 7th मार्च 44 पॉइंट्स स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड, 6th मार्च फिर छोटा सा स्टॉप लॉस 45 पॉइंट्स का। ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स में 45 पॉइंट्स स्टॉप लॉस, यानी अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं वो मैक्सिमम 12 से 16-17 पॉइंट का होगा, इससे ज्यादा नहीं। 5th मार्च छोटा सा स्टॉप लॉस 34 पॉइंट्स, 4th मार्च नो ट्रेड, 1st मार्च ब्रेकआउट मिला एंड 185 पॉइंट्स। मैक्सिमम दिन में आपको एक ही ट्रेड मिलेगा, मल्टीपल ट्रेड्स इसमें होगा नहीं, छोटा स्टॉप लॉस एंड बड़ी टारगेट के साथ आप इस ब्रेकआउट जोन इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स दोनों के लिए काफी बढ़िया काम कर रहा है। सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है एंड प्रॉपर रूल्स को जो है फॉलो करना है, जैसे सिर्फ फर्स्ट हाफ पर ट्रेड लेना है, सेकेंड हाफ पर नहीं। एक बार लॉस हो गया तो आप दोबारा एंट्री नहीं करेंगे। अगर मैं आपको एक समरी दिखाऊं, इन द मंथ ऑफ मार्च टोटल नंबर ऑफ ब्रेकआउट ट्रेड्स वाज 15, जिसमें से वी गेन्ड 1595 पॉइंट्स एंड वी लॉस्ट अराउंड 255 पॉइंट्स। तो जो नेट गेन पॉइंट्स है दैट इज अराउंड 1340। अगर आप निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं द लॉट साइज ऑफ निफ्टी इज 50, ऑन एन एवरेज अगर आप चार लॉट के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं देन योर प्रॉफिट इज अराउंड 2,70,000 इन वन मंथ, वो भी इन जस्ट 15 ट्रेड्स। अगर आप चाहें तो आप ऑप्शंस की चार्ट पर भी आप इस इंडिकेटर को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर कॉल ऑप्शंस की चार्ट है एंड राइट हैंड साइड पर पुट ऑप्शंस की चार्ट, बोथ आर इन द मनी ऑप्शंस चार्ट। यहां पर देखो मॉर्निंग पर, लुक एट दिस, इन द मॉर्निंग रफली हियर देयर वॉज अ ब्रेकआउट, तो आप डायरेक्टली यहां पर अपना स्टॉप लॉस को सेट करके आप कॉल ऑप्शंस पर ट्रेड ले सकते हैं एंड 315 पॉइंट्स इन जस्ट वन लॉट। ये ऑप्शंस की चार्ट है। सिमिलरली अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो यहां पर देखिए ब्रेकडाउन हो रहा है, दिस इज आवर ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो जो ऑप्शन बायर है वो यहां पर कॉल एंड ले सकते हैं, जो ऑप्शन सेलर है वो यहां पर पुट को सेल कर सकते हैं। एंड देखो यहां पर भी ऑन वन लॉट ऑप्शन सेलिंग नॉट लेस देन 133 पॉइंट्स। तो आप ऑन इंडेक्स एंड ऑप्शंस दोनों की चार्ट पर आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं एंड अगर आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर है।